हे गाइस, क्या चल रहा है भाई? स्वागत है माइनक्राफ्ट के कोने खतरनाक एपिसोड में। तो वो आज का वीडियो और बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाले, क्योंकि आज हम लोग अपने वर्ल्ड के अंदर एकदम खतरनाक चीज बनाने वाले। आज हम लोग बनाने वाले एक डेजर्ट टेम्पल। तो मैं तुम लोग को बता दूं, हम लोग कोई भी नॉर्मल सा डेजर्ट टेम्पल नहीं बनाएंगे, हम लोग एक बहुत बड़ा सा और एक बहुत जायंट सा डेजर्ट टेम्पल बनाएंगे, जो कि बहुत ही ज्यादा प्यारा होगा और बहुत ही ज्यादा खतरनाक होगा। तो बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, इसलिए वीडियो को पूरा देखना और वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। बाकी अगर आप लोग चैनल बनाए हो तो चैनल को यार जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि धीरे धीरे मैं अपने पूरे वर्ल्ड को मॉडर्न सिटी में कन्वर्ट कर रहा हूं और एक एक चीज ना बहुत ही ज्यादा प्यारी बन रही है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। और मैं तुम लोग को बता दूं यार, देखो डेजर्ट टेंपल का आइडिया मेरे को कहां से आया। तो जैसे ही मैंने अपने घर से बाहर निकलता, मतलब यहां तक सारी चीजें एकदम बहुत ही ज्यादा बढ़िया बनी हुई है, चारों तरफ नजर डालो बहुत ही ज्यादा सही है। बट यहां गेट से जैसे मैं बाहर निकलता हूं तो मेरी नजर ना पूरी डेजर्ट पे पड़ती है और भाई सैंड सैंड चारों तरफ है और कुछ भी यहां पे बना हुआ नहीं है। तो यार मैंने सोचा क्यों ना यार सैंड के अंदर एक डेजर्ट टेंपल बनाया जाए। तो आप लोग को पता है डेजर्ट के अंदर ही डेजर्ट टेंपल होता है, बट यहां आसपास कहीं पे भी नहीं है। मैंने काफी ज्यादा ढूंढा, मेरे को कहीं पे भी नहीं मिला। चारों तरफ सिर्फ सैंड ही सैंड है, मतलब चारों तरफ सिर्फ डेजर्ट ही डेजर्ट है। तो मैंने सोचा क्यों ना यार खुद से एक डेजर्ट टेंपल बनाया जाए, वो भी एकदम नॉर्मल सा नहीं, एक जॉइंट, एक बहुत ज्यादा बड़ा सा, एकदम खतरनाक सा। और तुम लोग को पता है जितनी भी चीजें मैं बनाता हूं एकदम खतरनाक सी बनाता हूं। बाकी इधर का अगर तुम अभी हाल देखोगे ना, इतना ज्यादा बुरा हो रखा है, क्योंकि मैंने यहां पे इतना ज्यादा माइंड किया था, यहाँ से बहुत ज्यादा सैंड वगैरह भी लेके चला गया हूँ। तो यहाँ का हाल तो बहुत ज्यादा बुरा है। तो पहले ना मुझे सारी चीजों को प्लेन करना पड़ेगा और इसमें मेरे को बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है। एंड मैंने एक और चीज सोच रहा हूँ, अगर आप लोगों ने इस वीडियो पे सपोर्ट दिखाया तो मैं सोच रहा हूँ इस पूरे विलेज को दोबारा से बनाया जाए, मतलब रिक्रिएट किया जाए और भी बहुत ज्यादा प्यारे तरीके से। साथ ही साथ मैं यहाँ पे विलेजर्स को भी शिफ्ट करूँ। तो अगर आप लोगों ने इस वाले वीडियो पे सपोर्ट दिखाया तो मैं ऐसा भी बिल्कुल करने वाला हूँ। एंड मुझे कॉमेंट करके भी जरूर बताना कि मुझे ऐसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मतलब इस वाले विलेज को रिक्रिएट करके और भी प्यारे तरीके से बनाऊं या ना बनाऊं। बाकी आप लोगों को याद ही होगा पिछले वीडियो में मैंने बनाया था एक 5-स्टार होटल। एंड सही बताऊं तो ना इसको बनाने में पूरे 2 दिन लग गए थे। एंड भाई इतना बेकार सपोर्ट मिला ना, बहुत ही ज्यादा बेकार सपोर्ट, मतलब ना ही व्यूज आए ना ही मुझे लगता है आप लोग को ये पसंद आया। पर सीरियसली बताऊं यार बहुत ज्यादा मेहनत लग गई थी एक एक चीज को बनाने में। तो अगर आप लोग को वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दिया करो, क्योंकि यार अगर आप लोग लाइक नहीं करते हो, आप लोग सपोर्ट नहीं दिखाते हो, तो भाई पूरी मेहनत बर्बाद हो जाती है। बाकी मेरे को तो बहुत ही ज्यादा प्यारा लगा अपना 5-स्टार होटल। एंड धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड को यार मॉडर्न सिटी में कन्वर्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जितने लोग भी अपने भाई को प्यार और सपोर्ट करते हो, भाई सपोर्ट ऐसी करते रहो, मैं तुम लोग के लिए ऐसी खतरनाक खतरनाक वीडियोस लेके आता रहूंगा। बाकी बहुत होगी बातचीत, फटाफट से चलते हैं और डेजर्ट टेम्पल बनाना स्टार्ट करते हैं। तो डेजर्ट टेम्पल बनाने के लिए ना जो डेजर्ट में टेम्पल्स होते हैं मैं उनको तोड़ने वाला हूँ। मैं कहीं से भाई कुछ भी सामान लेके नहीं आऊंगा, मैं डेजर्ट टेम्पल को पहले तोड़ूंगा। हम लोग एक टेम्पल नहीं तोड़ेंगे, हम लोग पूरे 2 टेम्पल को तोड़ के एक टेम्पल बनाएंगे। तो तुम लोग खुद सोच सकते हो कि कितना ज्यादा बड़ा बनेगा। और पूरा डेकोरेट तो मैं यार एकदम खतरनाक तरीके से करता ही हूँ। तो सबसे पहले तो मेरे को ना जगह को प्लेन करना पड़ेगा। बाकी मैंने अपने टूल्स को थोड़ा बहुत तो रिपेयर कर ही लिया है भाई एक्सपी से, क्योंकि सब में मैंडिंग लगी हुई है। तो सबसे पहले ना मैं यहाँ से तोड़ने वाला हूँ ये फैंस को, जो मैंने यहाँ पे फैंस लगा रखी थी, ये मैंने लगाई थी। आयरन गोलम को यहाँ पे बंद कर दिया था, इसीलिए मैंने यहाँ पे लगाई थी। तो मुझे फटाफट से ये काम करना पड़ेगा। और डेजर्ट टेम्पल बनाने के बाद मैं सोच रहा हूँ जो जंगल में मतलब टेम्पल होता है ना, वो वाला टेम्पल भी यहाँ पे बना दूँ। एंड जो पानी के अंदर होता है ना, वो भी वो सारे के सारे टेम्पल बनाऊँ एक एक करके। तुम लोग को क्या लगता है मुझे ऐसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मतलब अपने वर्ल्ड के आसपास ये सारी चीज़ें करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? बाकी इधर तो मेरे को बहुत ज़्यादा सैंड लगाना पड़ेगा। एंड यहाँ पे मैं सैंड लगाऊँ, या फिर मैं सोच रहा हूँ क्यों ना पहले यहाँ पे चारों तरफ प्लैंक लगा दिया जाए, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे सैंड लगाऊंगा तो सैंड तो नीचे चली जाएगी। तो उसके लिए ना मेरे को बहुत ज़्यादा प्लैंक लगेंगे और प्लैंक की मैं यहाँ से इंतजाम करूँगा इस साइड से। जितने भी पेड़ है ना मैं फटाफट से पहले पेड़ों को काट लेता हूँ। और भाई इस वाले वीडियो को बनाने में ना बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगने वाली, पता नहीं कितने घंटे लगेंगे ये मुझे भी नहीं पता है, पर समझ लो यार मतलब पूरा टेम्पल बनेगा और एक एक चीज़ करनी पड़ेगी, तो बहुत ज़्यादा मेहनत हो जाएगी। तो लाइक करना यार बिल्कुल भी मत भूलना। तो फटाफट से पहले हम लोग ना सारे के सारे यहाँ से पेड़ कट करने वाले हैं, क्योंकि मैं ना प्लैंक लगाने वाला हूँ पहले नीचे, उसके ऊपर लगाऊंगा मैं सैंड को, तो ज़्यादा सही रहेगा। इससे क्या होगा, सैंड नीचे भी नहीं गिरेगी और इधर वाले पेड़ ना मेरे बिल्कुल भी काम के नहीं है, तो कोई दिक्कत की बात है। और हाँ मैं ना सैपलिंग इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ना बहुत ज़्यादा सैपलिंग है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाद में कभी कस्टम हम लोग जंगल भी क्रिएट कर लेंगे खुद से, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्यारा होगा। तो फटाफट से पहले मैं ना सारे के सारे पेड़ कट कर लेता हूँ, बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है पेड़ कट करने में, पर कोई दिक्कत की बात नहीं है, पहले तो करना ही पड़ेगा। तो जल्दी जल्दी से पहले ना सारे के सारे पेड़ कट करते हैं।
होगी तो गाइस मैंने यहाँ पे बहुत सारे पेड़ को कट कर दिया है, तो यहाँ पे ना बहुत सारे पेड़ थे, इससे मेरे को ना बहुत ज़्यादा सेपलिंग भी मिल गया है, साथ ही साथ काफ़ी ज़्यादा मेरे को एप्पल मिले एंड मैं इसको उठा भी नहीं पा रहा। तो सबसे पहले यहाँ पे नज़र डालो, यहाँ पे देख रहे हो मतलब यहाँ पे 11 सेपलिंग हो चुके हैं, 13 यहाँ पे हो चुके हैं एंड कितना ज़्यादा लॉग हो चुका है, 1 2 3 4 स्टैक हो चुका है एंड एक स्टैक यहाँ पे हो चुका है और सेपलिंग भी एक स्टैक हो चुका है, 32 एप्पल हो चुके हैं, मतलब देख रहे हो कितना ज़्यादा सामान हो चुका है एंड यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा सेपलिंग और मैं इसको उठा नहीं पा रहा हूँ। तो मैं क्या चीज़ ड्रॉप करूँ, एक सेकंड रुको, जो मेरे पास सबसे ज़्यादा, एक मिनट इसको ड्रॉप कर देते हैं, इससे मेरा ज़्यादा कोई काम नहीं है एंड यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा सैपलिंग पड़े हुए, काफ़ी ज़्यादा एप्पल भी पड़े होंगे। तो मैंने बाद में क्या किया, मैंने ना पूरे के पूरे पेड़ को ही कट कर दिया एंड इतने हिस्से में जितने भी पेड़ थे मैंने सारे के सारे पेड़ को काट दिया है। और अच्छा तो यह है कि मेरे पास ना नेदर राइट की एक्स है, इससे ना बहुत जल्दी जल्दी काम हो रहा है, तो अभी फटाफट से चलना पड़ेगा एंड यहाँ पे भी एक सैपलिंग पड़ा हुआ है एंड इधर देख रहे हो यहाँ पे भी 2-3 सैपलिंग पड़े हैं, भाई क्या ही खतरनाक वाला सीन है। तो सबसे पहले मेरे को काम क्या करना पड़ेगा ना, मेरे को बाहर के साइड एक क्राफ्टिंग टेबल बनाना पड़ेगा, क्योंकि क्राफ्टिंग टेबल से ही मैं मतलब काम वाम करने वाला हूँ, चेस्ट भी मतलब चेस्ट वगैरह यहाँ पे बना लूँगा। तो एक साइड, एक मिनट रुको, एक मिनट काम करते ना, या बेड जो मैंने यहाँ रख रखा है यहीं पर हम लोग चीज़ें बना लेंगे। तो सबसे पहले ना मेरे पास जो प्लैंक पड़े हैं ना थोड़े से ओके यहाँ पे पड़े हैं, तो मैं इनसे एक क्राफ्टिंग टेबल क्रिएट करता हूँ। यहाँ पे एक बेड भी पड़ा हुआ है, ओके स्टिक मैं यहाँ पे भी फेंक रहा हूँ, इसको यहाँ पे रखो, स्टिक को यहाँ पे उठा लो एंड अभी मुझे ना सबसे पहले दो ना चेस्ट बनाने हैं, दो से मेरा अभी काम चल जाएगा, इसको यहाँ पे रखो एंड दो चेस्ट को यहाँ रखने वाला हूँ एंड इसके अंदर ना मैं बहुत सारा सामान भरने वाला हूँ, जो भी मेरे काम का नहीं है ना वो सारे का सारा सामान मैं इसमें डालने वाला हूँ, बहुत सही। एंड अभी मैं यहाँ पे प्लैंक्स बना लेता हूँ, तो मेरे पास काफ़ी सारे प्लैंक हो चुके हैं, अगर तुम लोग यहाँ पे नजर डालो बहुत सारे प्लैंक हैं, तो प्लैंक से मैं ना आराम से बेस बना लूँगा, कोई दिक्कत की बात ही नहीं होगी। तो अभी ना सारे सामान को मैं यहाँ से शिफ्ट करने वाला हूँ, खाने को भी शिफ्ट करने वाला हूँ एंड यहाँ पे ये सारे का सारा लगाया प्लैंक एंड यहाँ से मैं ना बेस बनाना चालू करता हूँ, क्योंकि जो मैं यहाँ पे बनाने वाला हूँ डेजर्ट टेम्पल, उसका ना बेस बनाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एंड सवल कहाँ के, मेरे पास दो दो सवल है ना, तो मैं इस वाली सवल का यूज़ करूँगा क्योंकि ये वाली सवल ना ज़्यादा ही तेज है, देख रहे हो क्या ही खतरनाक वाली हो रही है। तो सबसे पहले मेरे को काम क्या करना पड़ेगा, मैंने अपने घर के ज़्यादा पास में भी नहीं बनाऊँगा एंड ज़्यादा दूर भी नहीं बनाऊँगा, ताकि क्या होगा जब भी मैं घर से निकलूँगा तो एकदम मस्त वाला व्यू दिखाई देगा मेरे घर से। तो एक काम करते ना, यहाँ से स्टार्टिंग सही रहेगी, यहाँ से सही रहेगी, तो मैं काम करता हूँ इसमें यहाँ से लगाना चालू करता हूँ, तो ये रहेगा इसका बेस, तो इसके आगे से मेरे को जाना पड़ेगा एंड यहाँ से मैं इसको तोड़ देता हूँ, एक मिनट रुको यार, सबल से इसको तोड़ता हूँ, थोड़ा जल्दी काम हो जाएगा। और देख रहे हो नीचे जा रहा है भाई, ये सारा का सारा सैंड नीचे जा रहा है, और इसको मैंने क्यों नहीं हटाया यहाँ पे, बहुत सही। तो मुझे ना पूरे में ऐसे पूरा बेस बनाना पड़ेगा, काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा इसको बनाने में। अरे अरे, मैं कहाँ जा रहा हूँ भाई, मर ना जाऊँ, कोई ऐसा ना हो मैं डायरेक्ट केव में चला जाऊँ, क्योंकि आसपास यहाँ पे ना केव भी काफ़ी ज़्यादा है। तो एक मिनट रखो, मैं इसका ना गेट कोशिश करूँगा कि मेरे फ्रंट मेरे घर के सामने ही बने, बाकी कोई दिक्कत की बात नहीं है, थोड़ा आगे पीछे भी हो जाता है तो सब चलता है। तो फटाफट से यहाँ से इसको बनाते हैं, बाकी यार मेरे ना दिमाग में आइडियाज़ तो आ रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, बस आप लोग सपोर्ट दिखाओ ना, तो मैं आप लोग के लिए एकदम यूनिक और एकदम खतरनाक चीज़ें लेकर आऊँ। ओके, तो इतना ज़्यादा सही रहेगा, इतना ज़्यादा मैं बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं बनाने वाला हूँ, तो मुझे ना यहाँ से वहाँ तक इसको तोड़ना पड़ेगा, बहुत सही। यार मेरे को ना डर लग रहा है यहाँ पे केव ना हो कोई, तो मैं काम करता हूँ इतना फटाफट से, पहले मैं पूरा का पूरा बना देता हूँ एंड इसको भी मैं तोड़ दूंगा, ये भी एक टेम्पल के जैसे, यहाँ पे सैंडस्टोन मेरे को काफ़ी ज़्यादा मिल ही जाएगा। तो फटाफट से इसको यहाँ से पूरा लेकर जाते हैं एंड मैं काम करता हूँ ना जल्दी जल्दी से, पहले पूरा एक बेस बना देता हूँ, उसके बाद मैं तुम लोग को दिखाता हूँ कि कैसा लग रहा है बेस बनाने के बाद। होगी तो गाइस, अभी मैंने यहाँ पे डेजर्ट टेम्पल बनाने के लिए काफ़ी जगह बना लिया, मतलब काफ़ी जगह मैंने प्लैंक लगा लिया है, साथ ही साथ मैंने यहाँ पे काफ़ी सारा सैंडस्टोन भी लगा दिया, मैं तुम लोग को दिखा देता हूँ एंड इतना करने में ना भाई हालत ख़राब हो चुकी है, बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, ये देखो। तो मैंने यहाँ पे ना पूरा का पूरा प्लेन कर दिया है, तो मैंने प्लेन इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा उबड़ खाबड़ थे, साथ ही साथ यहाँ पे 2-3 केव थी, तो केव के ऊपर ना मैंने सैंडस्टोन लगा दिया एंड सैंडस्टोन कहाँ से मिला मैं तुम लोग को बता दूँ, तो पीछे के साइड ना यहाँ पे एक टेम्पल जैसा था, छोटा सा टेम्पल नहीं कह सकते, एक घर था पूरा का पूरा, मैंने उसको तोड़ दिया, ये देखो ये हवा में रह गया है, तो मैं इसको पूरा का पूरा तोड़ दिया एंड यहाँ से जितना भी सैंडस्टोन मिला मैंने सारे का सारा सैंडस्टोन आगे की साइड लगाए यहाँ वाले एरिया में एंड पीछे से भी मैंने थोड़ा सा सैंडस्टोन तोड़ लिया था, बाकी अभी यहाँ पे थोड़ा बहुत और रह गया, मैं उसको भी ले लूँगा एंड नीचे की साइड एक केव भी है तो मैं उसको बंद कर दूंगा एंड यहाँ पे मैंने पूरा का पूरा प्लैंक लगा दिया है, एक दो स्टैक में यहाँ पे काम हो गया, ज़्यादा प्लैंक लगा नहीं है, बाकी तो यहाँ पे सैंड लगा हुआ है, मेरे पास यार खाना नहीं है क्या, ओके खाना तो है मेरे पास, फटाफट से पहले ब्रेड खा लेते हैं या फिर मेरे पास ना कुकी है, मैं ये खा लेता हूँ, ये
ये मेरे को तब मिली थी जब हम लोगों ने मतलब रेड वेड जब विक्ट्री जीते थे तब मेरे को मिली थी, काफ़ी सारी मेरे पास पड़ी होंगी ये भी। तो अभी मेरे को सबसे पहले काम क्या करना है, अभी मेरे को लेकर आना है डेजर्ट टेम्पल को तोड़ के, मतलब फटाफट से चलते हैं एंड टेम्पल को तोड़ते हैं और टेम्पल को लेकर आते हैं। उससे पहले ना खाना वाना मैं रख लेता हूँ एंड मेरे को ना पहले पूरी की पूरी इन्वेंट्री खाली करनी पड़ेगी। तो मैं इसको हटाता हूँ, इसको हटाता हूँ, ये हटा देता हूँ, ये हटा देता हूँ और ये हटा देता हूँ, टॉर्चेस भी हटा देता हूँ, एरोस को रहने देता हूँ, लाइटरा तो मेरे को चाहिए चाहिए, ये हटा दो, ये दोनों हटा दो, बाकी इतने मेरा काम चल जाए क्योंकि ज़्यादा दूर पर नहीं है, पास में है तो मेरे को ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, फटाफट से लेकर आ जाएंगे। मतलब एक टेम्पल तो मेरे बहुत ज़्यादा पास है, दूसरा टेम्पल थोड़ा सा दूर है पर वो भी ज़्यादा दूर नहीं है क्योंकि ना मेरे घर के आसपास ज़्यादातर डेजर्ट है तो वो भी आराम से मेरे को मिल जाएगा। तो फटाफट से चलते हैं, मतलब यहाँ से पीछे के साइड से ही है तो एक विलेज तो यहाँ पे तुम लोग को दिखाई दे रहा होगा एंड एक विलेज ना इस साइड में है तो वहाँ वाले विलेज में मेरे को जाना है एंड वहीं पे है टेम्पल। तो फटाफट से चलते हैं पहले विलेज में और टेम्पल को तोड़ के लाते हैं। होगी तो गाइस सभी मैं टेम्पल के पास पहुँचने ही वाला हूँ। एक विलेज तो ये रहा, एक विलेज और आसपास होना चाहिए, मतलब ओके ये रहा दूसरा विलेज तो इसी के आसपास होना चाहिए डेजर्ट टेम्पल। मैंने पूरी की पूरी पहचान बना रखी है, दो विलेज आगे पीछे थे उसी के आसपास होना चाहिए क्योंकि मैं इसी किसी विलेज में रुका था। ओके तो गाइस ये रहा यहाँ पे डेजर्ट टेम्पल। इस वाले टेम्पल को ना मैंने लूटा नहीं था, जब हम लोग ना यहाँ पे वुडलैंड मेंशन ढूंढ रहे थे तब मेरे को ये वाला टेम्पल दिखाई दिया था एंड मैंने इसके कोऑर्डिनेट देख लिए थे। तो फटाफट से चलते हैं इसको लूट लेते हैं। वैसे मैंने इसके अंदर सामान देख लिया था, क्या क्या इसके अंदर सामान था, इसके अंदर काफ़ी सारा सामान था, डायमंड वगैरह भी थे। तो अभी मैं एक काम कर दूँ ना, अभी ना हम लोग डायमंड वगैरह लेने नहीं आए, मैं यहाँ पे सल्कर बॉक्स भी लेकर आया हूँ तो मैं दोनों को ना यहाँ पे रख लेता हूँ और मैं एक तरफ से ना पूरा तोड़ना स्टार्ट करता हूँ। मतलब देख रहे हो पिकैक्स भाई क्या ही तेज़ी से तोड़ रही है और अंदर क्रीपर भी है, मुझे लगा ही था कि कोई ना कोई अंदर खतरनाक चीज़ तो ज़रूर होगी। तो सबसे पहले तो मैं क्रीपर को निपटाने वाला हूँ। अबे तेरी बच गया, ये निकल यहाँ से। ओके एक ही शॉट में गया। तो फटाफट से मेरे को इसको तोड़ना पड़ेगा, मतलब काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा इसको कलेक्ट करने में, तोड़ने में तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मतलब देख रहे हो क्या ही तेज़ी से मैं तोड़ रहा हूँ, मतलब इतनी तेज़ी से अगर मैं तोड़ूंगा ना तो बहुत जल्दी काम हो जाएगा और पूरा टेम्पल पता ही नहीं चलेगा कि पूरा टेम्पल था कहाँ पे। एक मिनट रुको। ओके कलेक्ट भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से हो रहा है भाई, जितनी तेज़ी से। ओ एक मिनट रुक, क्या था ये? अच्छा मैंने तो मारा था, मेरे ही एरो था, मैं डर गया, मैंने कहा क्या चीज़ हो गई भाई, कौन ऐसा एरो मारा। नीचे से भी मैं तोड़ लेता हूँ क्योंकि यार जो सैंडस्टोन है ना वो कम नहीं पड़ना चाहिए। बाकी ये देख रहे हो भाई नीचे केव बना दे रहे हैं तो पूरी की पूरी थोड़ा संभल के रहना पड़ेगा कि ऐसा ना हो नीचे पूरी केव हो जाए। बाकी यहाँ से मेरे को TNT वगैरह भी मिल जाएंगे, वैसे TNT का तो मुझे कोई काम नहीं है। फटाफट से बस मुझे पूरे का पूरा टेम्पल तोड़ के लेके जाना है और एक नहीं भाई दो दो टेम्पल तोड़ने पड़ेंगे तभी मतलब मैं बना सकता हूँ जायंट टेम्पल, नहीं तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा भाई, एक से तो बहुत मुश्किल है, इसलिए दो तो लेकर जाने ही पड़ेंगे। कितना हो गया भाई? काफ़ी ज़्यादा है मेरे पास। ओके ये मेरे को ऑरेंज वाले भी चाहिए ब्लॉक, ओके काफ़ी सारे मैंने नीचे गिरा दिए, यहाँ से तोड़ो। ओके तो भाई मैं एक काम करता हूँ ना, जल्दी जल्दी से पूरा का पूरा पहले मैं टेम्पल तोड़ लेता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों से मिलता हूँ। होगी तो गाइस अभी मैंने यहाँ पे पूरा का पूरा टेम्पल ही भाई तोड़ दिया है, वो भी बहुत ही बुरी तरीके से। टेम्पल का नाम नहीं शाम ही पता नहीं चलेगा, मतलब टेम्पल था कहाँ पे, देख रहे हो पूरा टेम्पल मैंने यहाँ पे गायब कर दिया है। पर मेरी पिकेक्स की हालत देख रहे हो भाई काफ़ी ज़्यादा कम हो चुकी है, वो तो नेदरराइट की है इसीलिए भाई अभी तक टिक गई, मुझे लगता नहीं तो भाई ख़त्म ही हो जाती, अगर डायमंड वगैरह की होती तो पूरी की पूरी ख़त्म हो जाती। एंड मेरे पास ना काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, ये देखो यहाँ पे भी है, साथ ही साथ मैंने सल्कर बॉक्स के अंदर भी रख दिया है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हो रहा था। तो अभी मुझे फटाफट से इसको तोड़ना पड़ेगा, मैं पूरा का पूरा इसको तोड़ने वाला हूँ, उसके बाद ही हम लोग यहाँ से चलने वाले हैं। तो फटाफट से बाकी का टेम्पल भी तोड़ लेते हैं और इसको तोड़ने के लिए मुझे ऊपर जाना पड़ेगा, तो मैंने डर्ट ब्लॉक लगा लेता हूँ, आसानी से रहेगी तोड़ना। पहले हम लोग ऊपर से तोड़ेंगे, बाकी ना नीचे से हम लोग बाद में तोड़ने वाले हैं। और तेज़ी देख रहे हो पिकैक्स की, क्या ही तेज़ी से तोड़ रही है। होगी तो गाइस इसे भी मैंने यहाँ पे पूरा का पूरा टेम्पल ख़त्म कर दिया एक तरीके से, यहाँ पे जितना भी भाई सैंड स्टोन था सारा का सारा मैंने भाई कलेक्ट कर लिया, पूरा टेम्पल गायब कर दिया यहाँ देख रहे हो इस चेस्ट में एंड दूसरे सल्कर बॉक्स में मैंने भर दिया है। तो मेरे को ना सिर्फ एक पूरा फुल सल्कर बॉक्स एंड थोड़ा सा और मिला है, ज़्यादा टेम्पल में मिला नहीं, मुझे लगा बहुत ज़्यादा मिल जाएगा। वैसे अगर मैं चाहूँ तो यहाँ नीचे का भी तोड़ सकता हूँ, पर यार देखो कहीं कहीं पर ना केव है तो मेरे को डर लग रहा है कहीं ऐसा ना हो कि डायरेक्ट मैं नीचे गिर जाऊँ, तो मेरे को ना यहाँ से निकलना चाहिए। ओ तेरी भाई मेरा मुंह लग जाता है, मैं यहाँ से आया था इस साइड से तो मेरे को इस साइड में जाना पड़ेगा। ओके हाँ इधर ही से आया था, गेरा वाला विलेज एंड इसके पीछे एक और विलेज है
उधर से मेरे को सीधे सीधे जाते रहना। एंड यहाँ पे क्या, यहाँ पे काफ़ी सारे घोड़े हैं, तो अभी फटाफट से चलते हैं। जितना मेरे पास सैंड स्टोन, जितने भी मेरे पास सामान हो गया है, पहले हम लोग ये चल के अपने टेम्पल में चल के लगा लेते हैं। बाकी हम लोग को एक और टेम्पल तोड़ना पड़ेगा या फिर मेरे को कहीं ना कहीं से सैंड स्टोन लेना पड़ेगा। वैसे ना डेजर्ट में भी कभी कभी सैंड स्टोन मिल जाता है, तो मेरे को वो भी देखना पड़ेगा। बाकी अभी रात हो चुकी है, तो मुझे फटाफट से अपने घर की तरफ चलना पड़ेगा। होगी तो गाइस, अभी हम लोग अपने घर पहुंच चुके हैं। यहाँ से मेरी बाउंड्री दिखाई दे गई, जो भी मैंने बिल्डिंग्स वगैरह बनाए, मतलब देख रहे हो पूरे वर्ल्ड में अंधेरा है, बस मेरे घर के सामने, मतलब मेरे वर्ल्ड के पास, मतलब जहाँ मैंने अपना घर बना रखा है वहाँ पे कितनी ज़्यादा रोशनी हो रखी है। तो यहाँ कहीं पे एक बेड भी होगा, या बेड तो है पर क्रीपर की यहाँ पे पूरी की पूरी भाई बरात निकल रही है, तो मुझे सीधे सीधे अंदर जाना पड़ेगा। बहुत ज़ॉम्बी है, फटाफट फटाफट चलो 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 अंदर जाके मुझे सोना पड़ेगा। एंड सुबह उठ के मैं भाई बाकी का काम करने वाला हूँ, मतलब काम तो मुझे बहुत ज़्यादा करना है, तो भाई सुबह होने का हम लोग को इंतज़ार करना पड़ेगा। और लो भाई सुबह हो चुकी है इतना जल्दी, मतलब देख रहे हो सुबह कितनी तेज़ी से होती है। वैसे रात भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज़ी से हो जाती है, तो मुझे लगता है ना यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्रीपर वगैरह होंगे। ओके एक ज़ॉम्बी तो यहाँ खड़ा है, अबे मरने जा रहा है पर फिर भी मुझे मारने आ रहा है, मतलब हिम्मत देख रहे हो भाई इसकी कितनी ज़्यादा हिम्मत है। एंड वहाँ पे क्रीपर एक ज़ॉम्बी दोनों खड़े हुए हैं, तो क्रीपर को तो मैंने भाई शॉट दे दिया क्योंकि क्रीपर को तो मुझे ख़त्म करना ही है। क्रीपर यहाँ से ख़त्म हो चुका है, बाकी फटाफट से चलते हैं एप्पल खाते हैं। वैसे ना मेरे को ना ज़्यादा खाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, बहुत आराम से काम हो गया। मतलब सैंडस्टोन ना बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से मेरी पिकैक्स से टूट रहा था, तो फटाफट से चलते हैं। और ये जगह देख रहे हो पूरी की पूरी मैंने प्लेन कर रखी है, बस यहाँ पे कोई क्रीपर वगैरह ना दिख जाए, नहीं तो भाई मेरी बैंड बचा देगा। क्रीपर से मुझे बहुत ज़्यादा खतरा है, तो फटाफट से मैं अपने सल्कर बॉक्स यहाँ पे रखता हूँ एंड यहाँ पे भाई काम चालू करते हैं। होगी तो गाइस, अभी मैंने यहाँ पे सल्कर बॉक्स रख दिया एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कितना ज़्यादा सैंडस्टोन है। वैसे यहाँ पे सैंडस्टोन भी है एंड ये कट सैंडस्टोन भी है एंड सैंडस्टोन स्टेयर्स भी है, मतलब देख रहे हो क्या ही, ऑरेंज टेराकोटा भी है, तो सबका मेरे को यूज़ होने वाला है, मतलब सारी चीज़ें मैं यहाँ पे लगाने वाला हूँ। तो पहले तो मेरे को ना सैंडस्टोन से काम चल जाएगा, तो सबसे पहले मेरे को काम क्या करना है ना, मेरे को बीचों बीच एक मतलब पूरा का पूरा बाउंड्री टाइप का बनाना पड़ेगा, जिससे क्या होगा मेरे को पता रहेगा कि मुझे ना कितने बीच में बनाना है। तो सबसे पहले तो मैं एक काम करता हूँ ना यार, यहाँ से तो हम लोग बना नहीं सकते क्योंकि इन लोगों के घर हैं, हो सकता है कभी यहाँ पे विलेजर्स मैं लेकर आऊँ, इसलिए मैं घर तो बिल्कुल भी तोड़ने वाला नहीं हूँ, तो मैं बीचों बीच यहाँ पे बनाने वाला हूँ। तो बीचों बीच मैं कहाँ से बनाऊँ, चलो यहाँ से लेकर चलते हैं। पहले ना मुझे बीचों बीच में यहाँ पे पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, सबसे पहले स्ट्रक्चर गड़बड़ नहीं होना चाहिए, अगर स्ट्रक्चर गड़बड़ होता है तो पूरी की पूरी बाउंड्री गड़बड़ हो जाएगी जो मैं बनाना चाहता हूँ। ओके तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा बना सकते हैं यार, इसको छोटा नहीं बनेगा, काफ़ी ज़्यादा बड़ा बन जाएगा मेरे हिसाब से। तो पहले इसको फटाफट से बाउंड्री को कंप्लीट कर लेते हैं एंड जैसा ना मुझे स्ट्रक्चर चाहिए वैसा स्ट्रक्चर कर लेते हैं। अभी मेरे पास बहुत ज़्यादा सैंडस्टोन है, तो इतने से पहले मेरा काम चल जाएगा, बाकी अगर कम पड़ता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। भाई वर्ल्ड के अंदर टेम्पल की कमी नहीं है, ढूंढ ढूंढ के मैं टेम्पल तोड़ के लेकर आ जाऊँगा। ओके तो गाइस, मैंने यहाँ पे एक बाउंड्री जैसे बना दिया एंड एलाइट्रा उतारो यार, एलाइट्रा पहन के ना मतलब भाई चलना मुश्किल हो जाता है, बहुत ही दिक्कत हो जाती है। तो फटाफट से मैं एक एक लेयर यहाँ पे और रखता हूँ एंड पूरा ना मैं यहाँ पे पिरामिड जैसा बनाने वाला हूँ, पहले पिरामिड जैसे यहाँ पे बनाऊंगा फिर साइड में बनाने वाला हूँ। तो फटाफट से पहले मैंने स्ट्रक्चर तैयार कर लेता हूँ, उसके बाद मैं तुम लोग को दिखाता हूँ, तो ये वाला वीडियो ना बहुत ज़्यादा बड़ा बन जाएगा। होगी तो गाइस, अभी मैंने डेजर्ट टेम्पल का थोड़ा सा स्ट्रक्चर यहाँ पे बना दिया है, साथ ही साथ मैंने नाप को भी ऑन कर लिया है जिससे और ज़्यादा बढ़िया लुक आ रहा है। तो तुम लोग अभी सोच रहे हो यार ये डेजर्ट टेम्पल का कैसा लुक है, तो अभी यार बनने तो ये खाली पूरा का पूरा ना सिर्फ मैंने बेस बनाया है, जैसा मैं अभी बनाने की सोच रहा हूँ अगर ये बिल्कुल वैसा बन जाता है तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगेगा। बाकी अगर थोड़ा बहुत अलग भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो फटाफट से ऊपर से भी बना लेते हैं, ऊपर से बनाने के लिए मेरे को ना पूरी एक लेयर बनानी पड़ेगी पूरे में, उसके बाद ही मैं इसको बना सकता हूँ। तो फटाफट से पहले मेरे को ना ऊपर का स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा एंड साइड में ना मैं अभी पिलर्स भी बनाने वाला हूँ। ये डिज़ाइन पे डिपेंड करेगा कि कैसा डिज़ाइन बन रहा है, पिरामिड जैसा नहीं होता है बिल्कुल वैसा ही मैं बनाने की कोशिश करूँगा। एंड अभी मेरे पास बहुत ज़्यादा सैंडस्टोन है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, मतलब बहुत कम लगा है तो अपना काम चल जाएगा। मुझे लगता है कि यार दूसरा मेरे को लेने, मतलब पूरा टेम्पल जाना नहीं पड़ेगा, आसपास ही मैं सैंडस्टोन तोड़ लूँगा, मेरा काम हो जाएगा, क्योंकि पीछे के साइड ना काफ़ी ज़्यादा जगह मतलब सैंडस्टोन है, मुझे वहाँ से मिल जाएगा, नहीं तो मैं सारे के सारे घर तोड़ दूँगा जो आसपास है मेरे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं दोबारा से बाद में बना दूँगा। ओके बहुत सही, यहाँ मैंने एक एक्स्ट्रा लगा दिया, तो मैं वो फटाफट से निकाल के इसके ऊपर लेयर एक लगा देता हूँ, यहाँ पर मेरे को इसको लगाना है एंड एक ना मेरे को यह बीच में लगा के कुछ इस तरीके से लगाना पड़ेगा,
एंड मुझे ना इस तरीके से चारों तरफ इसको कवर करना है। तो अभी मेरे पास काफ़ी ज़्यादा नहीं, तो मैं सल्कर बॉक्स में से और भी लेकर आ जाऊँगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मैं काम करता हूँ फटाफट से, पहले मैं ऊपर का स्ट्रक्चर भी बना लेता हूँ, उसके बाद मैं तुम लोग को आराम से दिखाता हूँ कि ऊपर से कैसा लग रहा है। होगी तो गई सभी, मैंने यहाँ पे अपना डेजर्ट टेम्पल का थोड़ा सा पार्ट बना लिया है, तो मैं तुम लोग को दिखा देता हूँ। मतलब तुम लोग बोल सकते हो 40% काम यहाँ पे हो चुका है, 40 या 30%। तो ये देखो, सो गाइस ये है अपना जाइंट सा डेजर्ट टेम्पल। एंड इसको बनाने के अंदर भाई मेरे पास जितना भी सैंड स्टोन था सारे का सारे ख़त्म हो चुका है। एंड अंदर क्रीपर था ना, एक निकल देखी तो ऐसे की तैसी क्रीपर यहाँ पे क्या कर रहा है। एंड मैं इसको ना काफ़ी ज़्यादा जाइंट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, और इसको बनाने के चक्कर में साइड के आसपास के जितने भी घर थे मुझे वो भी तोड़ने पड़े, क्योंकि सैंडस्टोन काफ़ी ज़्यादा कम पड़ गया था। एंड जो मेरे सल्कर बॉक्स थे ना पूरे के पूरे खाली हो चुके हैं, ये देखो पूरे खाली हो चुके, बस एक स्टैक यहाँ पे बचा हुआ है। एंड अभी ना मैं यहाँ पे भी लगाने वाला हूँ, और मैंने इसको थोड़ा इधर को बढ़ा दिया एंड उधर भी बढ़ा दिया। तो पहले जो मैं डिज़ाइन बना रहा था ना उससे क्या हो रहा था, जाइंट नहीं बन रहा था, काफ़ी ज़्यादा छोटा बन रहा था। बट बाद में मैंने इसको काफ़ी ज़्यादा जाइंट करने की कोशिश की है, तो अभी फटाफट से मेरे को यहाँ से निकलना पड़ेगा दूसरे टेम्पल के लिए। एंड जो दूसरा टेम्पल है ना वो यहाँ से थोड़ा सा दूर है, उसके लिए मेरे को काम क्या करना पड़ेगा ना, मेरे को यहाँ से फटाफट से पहले रॉकेट वगैरह लेने पड़ेंगे। एक मिनट को, एक स्टैक यहाँ पे रॉकेट है ना, टॉर्चेस भी तो यार यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा, तो फटाफट से निकलते हैं। और ये एंडरमैन अंदर से बाहर आ चुका है, बाकी दिखने में तो काफ़ी ज़्यादा जाइंट और काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। धीरे धीरे मैं इसको अपग्रेड भी करूँगा, और अभी तो ना मतलब 60% से ज़्यादा काम रह गया है, और जब पूरा बन जाएगा ना तो भाई क्या ही लगेगा, एक नंबर लगेगा। तो मुझे फटाफट से चलना है, अभी मैंने यहाँ पे लाइटर पहना भी नहीं है, तो जल्दी जल्दी इसी अभी हम लोग निकलते हैं। अभी मेरे को ना इस वाली डायरेक्शन में जाना है, थोड़ा सा दूर में यहाँ पे मेरे को एक टेम्पल और मिल जाएगा, बाकी आसपास और भी टेम्पल होंगे यार, इतना ज़्यादा डेजर्ट है तो होने तो चाहिए। मेरे किसी दिन ना आराम से ढूंढूंगा तो मुझे पक्का मिल जाएंगे। तो एक काम करते हैं फटाफट से पहले चलते हैं टेम्पल पे एंड पूरा टेम्पल तोड़ के लाते हैं। होगी तो गाइस अभी मैं फिर से एक डेजर्ट टेम्पल के पास पहुंचने वाला हूं, वो यहीं कहीं पे आसपास पे होना चाहिए, मेरे को नीचे देखना पड़ेगा। होगी तो गाइस मेरे को यहां पे दिख चुका है, तो ये रहा एक और डेजर्ट टेम्पल। या डेजर्ट में रहने का ना यही फ़ायदा होता है, टेम्पल ना बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं। तो मैं काम करता हूँ फटाफट से पहले लाइटर हटाता हूँ, एंड मेरे को लगता है ना मेरी जो पिकैक्स है ना उसकी हेल्थ भाई बहुत ज़्यादा डाउन होने वाली है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बड़ा टेम्पल है ये भी। तो फटाफट से इसको भी पूरा तोड़ लेते हैं, इसके तोड़ने के बाद मुझे लगता है ना दोबारा आना नहीं पड़ेगा, अपना काम हो जाएगा, क्योंकि ना आसपास से भी मेरे को काफ़ी ज़्यादा मतलब यार सैंडस्टोन मिल जाएगा आसानी से। मैंने देखा था पर थोड़ा सा खतरा था, वहाँ से ना सैंड भी सर पे गिर रहा था, पर कोई दिक्कत की बात नहीं है, दूर दूर आने से तो ज़्यादा अच्छा है मैं थोड़ा सा रिस्क उठा के यहीं से ले लूँ। वैसे यहाँ पे भी तुम लोग देख सकते हो पहाड़ के काफ़ी आगे पीछे भी है, तो मैं यहाँ से भी कलेक्ट कर लूँगा। तो मैं काम करता हूँ फटाफट से पहले यहाँ से बहुत सारा सैंडस्टोन ले लेते हैं, उसके बाद यहाँ से निकलते हैं। होगी तो गाइस अभी मैंने यहाँ पे काफ़ी सारा सैंडस्टोन इकट्ठा कर लिया है, और अभी तुम मेरी पिकेक्स की हालत देख रहे हो, क्या ही खतरनाक तरीके से डैमेज हो चुकी है। एंड अभी जितने भी जगह यहाँ पे रह चुके हैं ना ये सैंडस्टोन मैं कलेक्ट कर लेता हूँ, बाकी मैंने ना काफ़ी अंदर तक माइन कर दिया है, ऊपर के तोड़ने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये ना काफ़ी अंदर तक घुसा हुआ था, तो मैंने ना काफ़ी तगड़े तरीके से इसको माइन किया। एंड नीचे की साइड भी काफ़ी सारे रह गए, तो मैं काम करता हूँ ना किसी को छोड़ने वाला तो नहीं हूँ। एंड मैंने ना इस बार दोनों के दोनों सल्कर बॉक्स को अच्छे से फुल कर लिया है, एंड इन्वेंट्री में भी तुम लोग देख सकते हो काफ़ी सारा है, मतलब ऑलमोस्ट भरने ही वाला है। अभी जल्दी जल्दी से आ जा, तो एक दो ही कहीं पर रह गया होगा। एंड नीचे के साइड तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे खाली चेस्ट पड़ी है, वहाँ पे भी कुछ गिर गया है, पर कोई दिक्कत की बात नहीं, उससे मेरे को ज़रूरत नहीं है। तो फटाफट से अभी हम लोग यहाँ से निकलते हैं, मुझे लगता है कि अपना इतने से काम ना चल जाएगा। तो मैंने एलाइट्रा पहन रखा है, नहीं एलाइट्रा पहना ही नहीं है, अभी मुझे लग रहा था ना मैंने एलाइट्रा पहन रखा, मैं इतनी ऊँची ऊँची से जंप कर रहा हूँ। बाकी फटाफट से अभी हम लोग यहाँ से सीधे निकलते हैं अपने घर की तरफ, और बाकी का अपना डेजर्ट टेम्पल कम्प्लीट करते हैं। होगी तो गाइस अभी मैं अपने घर के पास पहुंचने वाला हूँ, फटाफट से चल के जो अपना भाई डेजर्ट टेम्पल जो हम लोग बना रहे हैं उसको कंप्लीट करते हैं। और देख लो पीछे से भी कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है, मतलब बहुत ही सही। तो मैं काम करता हूँ ना यहीं पे मैं लैंडिंग कर लेता हूँ, और सबसे पहले तो मुझे ना दोनों के दोनों सल्कर बॉक्स को यहाँ पर निकालना पड़ेगा, एंड दोनों को ना मैं यहीं पर रख लेता हूँ। तो दोनों के दोनों पूरे के पूरे फुल हो चुके हैं यहाँ पे, एंड मेरे पास भी काफ़ी ज़्यादा है, तो सबसे पहले ना एलाइट्रा निकालते हैं एंड ऊपर के साइड चलते हैं, क्योंकि ऊपर के साइड ना भी काफ़ी सारा काम रह गया। सबसे पहले ना मेरे को बीच वाला जो मैं यहाँ पे डिज़ाइन बना रहा हूँ इसको मुझे कंप्लीट करना पड़ेगा, उसके बाद मेरे को करना है क्या, ये थोड़ा बड़ा बन गया है एंड ये वाला डिज़ाइन थोड़ा छोटा है, तो मुझे इसको भी सही करना पड़ेगा, नहीं तो छोटे बड़े डिज़ाइन हो जाएंगे ना तो बिल्कुल मज़ा नहीं आने वाला है। बाकी मुझे अभी इसे अच्छे से डेकोरेट भी करना है, पर उससे पहले मेरे को इसको कंप्लीट करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है ना अपना काम हो जाएगा, अपने को दोबारा नहीं जाना पड़ेगा, दो टेम्पल से अपना पूरा काम हो जाएगा। और पिकेक्स देख रहे हो, अरे भाई क्या जानलेवा पिकेक्स है,
एक झटके में मतलब कितना ज़्यादा तोड़ दिया। तो मैं काम करता हूँ फटाफट से, पहले मैं इसको कंप्लीट कर देता हूँ, उसके बाद मैं तुम लोग को आराम से दिखा देता हूँ कि ऊपर से कैसा लग रहा है। होगी तो गई, अभी हमारे टेंपल का काफ़ी ज़्यादा काम हो चुका है और अंदर से ना मुझे काफ़ी ज़्यादा आवाज़ें आ रही हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि अंदर बहुत ज़्यादा क्रीपर और जॉम्बी और ये देख रहे हो स्पाइडर, ये हवा में दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं, दोनों तो मेरे से मरने वाले हैं भाई। दिन दहाड़े मतलब मेरे को स्पाइडर स्पाइडर भरे हुए हैं एंड उस साइड तो मुझे लग रहा है कि जॉम्बी वगैरह भी आ चुके हैं। और भाई मेरे को ऐसा लग रहा है रात तो नहीं हो गई कहीं, ओके ऊपर के साइड काफ़ी ज़्यादा स्पाइडर होंगे तो रात हो ही नहीं है भाई दिन। और मैं तुम लोग को दिखाता हूँ कि अपना अभी डेजर्ट टेम्पल कैसा लग रहा है। अभी काफ़ी ज़्यादा काम रह गया बट फिर भी मैंने काफ़ी बड़ा बना लिया है एंड इसको बनाने में काफ़ी ज़्यादा भाई सैंडस्टोन लग गया है। तो ये देखो सो गाइस, ये है अपना भाई डेजर्ट टेम्पल, जाइंट डेजर्ट टेम्पल। इसको बनाने में ना भाई बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, करीब 4 घंटे हो चुके हैं एंड अभी भी ये ना इतना ही बड़ा बना है। अभी इसको डेकोरेट करना है भाई, इसमें और भी बहुत सारा काम करना है तो उसको करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। एंड आप लोग सोच रहे हो ये ऊपर के साइड मैंने क्या बनाया है, तो ये मैंने बस ऐसे ही डिज़ाइन बना दिया, मुझे नहीं पता ये क्या चीज़ है, बस मुझे ऐसे ही बना के अच्छा लग रहा था तो मैंने इसे ऐसे ही छोड़ दिया। बाकी अभी देखूंगा लास्ट में, अगर बढ़िया नहीं लगा ना तो मैं इसको भी तोड़ के दोबारा कुछ ना कुछ ज़रूर करूँगा। एंड अभी ना यहाँ आगे के साइड मुझे काफ़ी कुछ बनाना है, इधर भी बनाना है, ऊपर के साइड भी शायद बना सकता हूँ, मतलब बहुत कुछ कर रहे हैं। अभी तुम लोग ये समझ लो कि 50% काम हो चुका है एंड 50% काम रह गया है तो बाकी का काम भी फटाफट से करते हैं। तो मुझे सबसे पहले काम क्या करना है, मुझे ना साइड साइड से 2 या 3 ना बड़े बड़े जाइंट पिलर्स बना रहे हैं। और देख रहे हो सैंडस्टोन मेरे पास कितना ज़्यादा था, मेरी खुद की इन्वेंट्री भरी हुई थी, सल्कर बॉक्स भी भरा हुआ था, सारा खत्म हो चुका है, बस इसके अंदर पड़ा हुआ है तो वो बाद में मैं ले लूँगा। तो फटाफट से चलते हैं, यहाँ पे ना जाइंट पहले पिलर्स बनाते हैं, बहुत जाइंट जाइंट मुझे बनाने पड़ेंगे। तो पहले तो यार ओ भाई बच गया, अभी मैं खुद ही नीचे गिर जाता तो यहाँ पे खेव वेव ना हो के मेरा खेल खत्म हो जाए। तो मैंने अच्छे से पहले यहाँ पे लगा देता हूँ, ओके बॉस है, जितना नीचे गिरना है गिर जाए, कोई दिक्कत की बात नहीं, अभी वो गिर नहीं रहा है। तो मैंने यहाँ से पिलर्स बना, तो पिलर बनाने के लिए कम से कम ना मुझे 5-5 ब्लॉक जाना चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ सही है, 1, 2, 3, 4 अरे इतने में बना देते हैं, कितना है मैं एक बार गिन लेता हूँ, यह है कितना पिलर, शायद पतला हो जाएगा मेरे ख्याल से। अबे एक मिनट रुको, इसको एक आगे और लेकर जाऊँ अगर मैं तो, नहीं नहीं मुझे यहीं से लेकर जाना पड़ेगा यार उसको, मैं एक बार देख लेता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ रखे हैं मैंने, 1, 2, 3, 4, 5, 6 की ब्लॉक है, सही है यार, इतने में काम मेरा चल जाएगा। तो फटाफट से ऊपर के साइड चलते हैं, मैं ना काफ़ी बड़े बड़े काफ़ी जाइंट पिलर्स बनाने वाला हूँ एंड बना के देखेंगे कि ये कैसे लग रहे हैं। तो इतने मुझे लगता है काम चल जाएगा, एलाइट्रा मुझे पहनना पड़ेगा, बिना एलाइट्रा के अगर मैं नीचे गिरा ना तो भाई हालत ख़राब हो जाएगी। तो फटाफट से चलते हैं, सारे के सारे मुझे ना बराबर रखने पड़ेंगे, पहले मैं फटाफट से बराबर कर लूँगा, उसके बाद मैं देखूँगा कि कैसा लग रहा है एंड अगर सही लगेगा मुझे ना इसका साइज़ तो मैं सेम ऐसे ही बनाऊंगा, अगर मुझे थोड़ा बहुत गड़बड़ लगता है तो मैं इसको सही कर दूंगा, बाकी कोई दिक्कत की बात नहीं। ओ भाई बच गया, मुझे लगा टकरा वकरा ना आ जाऊँ हवा में। तो मैं एक काम करता हूँ फटाफट से, पहले मैं पिलर्स वगैरह बना लेता हूँ अच्छे से, उसके बाद मैं तुम लोग को दिखाता हूँ कि भाई पिलर्स कैसे लग रहे हैं। एंड अभी मेरे पास काफ़ी ज़्यादा सैंडस्टोन है तो दिक्कत की बात नहीं है, तो इसको ना ऊपर से फिल कर दो ताकि ना जब नीचे जाऊँगा तो बढ़िया तरीके से दिखाई देगा। हो गई तो गाइस, अभी हमारा डेजर्ट टेम्पल बन के रेडी हो चुका है, मतलब 90% काम हो चुका है, अभी बस डेकोरेशन का काम रह गया और इसको बनाने में करीब मेरे को 6 से 7 घंटे लगे। और ये मेरे बगल में भाई यहाँ पे क्रीपर आ गया था, अच्छा रहा मैं भाग आया नहीं तो मेरे बगल में ही फट जाता और भाई मेरी मौत भी यहाँ पे हो सकती थी। तो सबसे पहले तो मैंने इसको टपका दिया है एंड अभी आप लोग ऊपर के साइड नज़र डालो, यहाँ पे मैंने पिलर्स बना दिए, 2 पिलर्स यहाँ पे थोड़ा सा काम रह गया, इसको मैं यहाँ करने वाला हूँ पूरा। मैंने यहाँ पे टेराकोटा भी लगा दिया क्योंकि मेरे पास काफ़ी सारा पहले से भी टेराकोटा पड़ा हुआ था एंड मेरे को मिल भी गया था टेम्पल में तो मैंने यहाँ पर लगा दिया है। एंड विलेज से मेरे को काफ़ी ज़्यादा टेराकोटा मिल गया था तो मैंने डिज़ाइन के लिए यहाँ पर लगाया है, मुझे नहीं पता कि यार आप लोग को कैसा लग रहा है। एंड इस वाले टेम्पल का डिज़ाइन ना मैंने भाई कहीं से भी देखा नहीं है, मेरे दिमाग में जो आया मैंने मतलब वैसे बनाते गया एंड मेरे को ना ये वाला डिजाइन काफी ज्यादा सही लग रहा है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोग को ये डिजाइन कैसा लग रहा है। बाकी अंदर काफी ज्यादा स्पेस हो गया, मैं बेड वगैरह भी अंदर डाल दूंगा, काफी सारे मेरे पास बेड है एंड हो सकता है फ्यूचर में कुछ विलेजर्स को भी मैं यहाँ पे शिफ्ट कर दूँ, जो ब्रिंग स्टैंड वाले बंदे होते हैं 3-4 के मैं यहाँ पे जॉब दे दूंगा तो उनको मैं यहाँ पे भी शिफ्ट कर सकता हूँ। तो अभी हमारा लास्ट में काम क्या रह गया, वो रह गया डेकोरेशन का काम। तो फटाफट से मैं पहले पूरी डेकोरेशन कर लेता हूँ टेम्पल की,
ज्यादा कुछ तो नहीं करने वाला हूँ, मतलब थोड़ा बहुत जो भी डेकोरेशन वो कर लेता हूँ, उसके बाद तुम लोग को फाइनल लुक दिखाता हूँ कि इसका फाइनल लुक कैसा लग रहा है। मैं यहाँ पे थोड़ी लीव्स वगैरह लगाने की सोच रहा हूँ, मैं यहाँ पे थोड़ी वाटर वगैरह डालने का सोच रहा हूँ, तो देखता हूँ जैसा मैं सोच रहा हूँ अगर बिल्कुल वैसा हो जाता है तो इसमें और ज्यादा बढ़िया मतलब चार चांद लग जाएंगे। बाकी मेहनत वसूल हो जाएगी अगर आप लोगों ने एक वीडियो को लाइक कर दिया एंड वीडियो को पूरा देखा तो। तो मैं काम करता हूँ फटाफट से, पहले मैं इसको पूरा डेकोरेट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं तुम लोग को दिखाता हूँ कि एक कैसा लग रहा है। और तेरी तो ऐसी की तैसी स्केलेटन, बाहर आ जाओ बेटा तू एक बार। मैं ना अंदर इसलिए नहीं जा रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि और ना क्रीपर ना भरे पड़े हो, क्रीपर से मुझे थोड़ा डर लग रहा है। वैसे मैंने यहाँ पे भाई टॉर्चेस वगैरह लगा दिए, तो एक काम करना है ना, शेयर्स इसके अंदर पड़ा हुआ है तो मुझे फटाफट से लेना पड़ेगा एंड मेरे को ना लीव्स वगैरह कट करनी पड़ेगी। तो कहाँ गया एक मिनट को, ये रहा। तो चलते हैं थोड़ी लीव वगैरह लेकर आते हैं, साथ ही साथ मुझे वाटर बकेट भी लेकर आने पड़ेंगे। एंड यहाँ पे क्रीपर क्या कर रहा है, तो इसको मार के सीधे हम लोग यहाँ से निकलते हैं, वो भी मर गया। तो जल्दी जल्दी से चलते हैं और बाकी जो भी डेकोरेशन का सामान है फटाफट से लेकर आते हैं, डेकोरेशन कर लेता हूँ उसके बाद मैं तुम लोग को दिखाता हूँ। होगी तो गई सभी, हमारा डेजर्ट टेम्पल बन के एकदम रेडी हो चुका है और काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा है। और भाई बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत हो गई है और डेकोरेशन में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया। एंड मैंने ना उस पर भाई कंक्रीट का बहुत ज़्यादा यूज़ किया है, तो मैं आप लोग को पहले भाई दिखा देता हूँ कि ये कैसा लग रहा है। सो गाइस ये है अपना भाई जॉइंट डेजर्ट टेम्पल, देख रहे हो कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। ये विदाउट शेडर ऐसा लग रहा है, अगर मैं यहाँ पर शेडर डालूंगा तो इसमें चार चांद लग जाएंगे, बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगेगा। मैं आपको अभी शेडर के साथ भी दिखाऊंगा, उससे पहले मैं आप लोग को दिखा दूं कि मैंने यहाँ पे क्या क्या किया है। तो मैंने यहाँ पे भाई पूरा का पूरा पानी यहाँ पे रख दिया है, जो काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा है। एंड यहाँ पे मैंने स्टेयर्स भी बना दिए आने जाने के लिए, यहाँ पे मैंने लैंटर्न वगैरह लगाई, यहाँ पे पम्पकिन रख दिए और यहाँ पे मैंने कॉन्क्रीट का बहुत ज़्यादा यूज़ किया है। पहले मैं कॉन्क्रीट यहाँ पे नहीं लगा रहा था, पर फिर बाद में मैंने लगा दिया जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा सही लगा। एंड साइड साइड में टॉर्चेस लगाए हैं, यहाँ पे मैंने लीव्स लगा दिया है जो कि गार्डन की तरह लुक दे रहा है, टेम्पल में बहुत ही ज़्यादा सही लग रहा है। बाद में ना यहाँ पे मैं कुछ ट्री वगैरह भी लगा दूंगा, बहुत ही सही लगेंगे। एंड अंदर के साथ भी हमने थोड़ी बहुत डेकोरेशन कर लिया है, बाकी यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो लैंटर्न टॉर्चेस वगैरह जितनी भी मैं यहाँ पे लगा सकता था वो मैंने यहाँ पे लगा दिया है। और थोड़ा बहुत जितना भी मेरे पास कंक्रीट पड़ा था वो मैंने कंक्रीट यहाँ पे यूज कर लिया, क्योंकि सैंडस्टोन से ना उतना ज्यादा मजा नहीं आ रहा था, इसीलिए मैंने कंक्रीट को लगाया एंड मेरे को तो यार बहुत ही ज्यादा सही लगा। तो अभी मैं तुम लोग को ना शेडर के साथ दिखाता हूँ कि ये शेडर के साथ कैसा लग रहा है और उसमें क्या होगा ना, गेम यार थोड़ा बहुत लैग होगा तो प्लीज यार देख लेना। तो मैं अभी शेडर ऑन करता हूँ और उसके बाद मैं तुम लोग को दिखाता हूँ। इसे भी मैंने शेडर ऑन कर लिया और अभी मैं तुम लोग को दिखाता हूँ कि ये कैसा लग रहा है। तो शेडर ऑन करने के बाद पूरे डेजर्ट टेम्पल का लुक देखो भाई, पूरा का पूरा लुक चेंज हो गया है। पानी का लुक देखो, यहाँ से देखो भाई कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। और इसको बनाने में ना बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगी, करीब 5-6 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं इसको बनाते बनाते। एंड अभी मुझे लग रहा है ना थोड़ी बहुत कमियाँ लग रही है डेकोरेशन में, जैसे मैंने यहाँ पे टॉर्चेस वगैरह नहीं लगाई है क्योंकि मेरे पास ज़्यादा टॉर्चेस है, लैंटर्न बची नहीं है, तो मुझे टॉर्चेस बनानी पड़ेंगी। इस साइड में मैंने यहाँ पर टॉर्चेस वगैरह नहीं लगाए, वो भी मैं लगा दूंगा। ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा जॉइंट बना है, मैंने सोचा नहीं था कि मैं इतना ज़्यादा बड़ा बनाऊँगा, पर ये सही में ना बहुत ही ज़्यादा बड़ा बन गया, पर काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा है मुझे तो। अब मैं भाई अपने घर से जब बाहर निकलूँगा ना यहाँ से, तो मेरे को ना बेकार सा डेजर्ट देखने को नहीं मिलेगा। जैसे मैं घर से बाहर निकलूंगा मेरे को यहाँ पे टेम्पल देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी अलग और काफ़ी यूनिक है एंड काफ़ी ज़्यादा बड़ा भी है। तो बस यार आज के वीडियो को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आए, अगर पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक तो ज़रूर कर देना, क्योंकि इस वाले टेम्पल को बनाने में ना भाई बहुत ज़्यादा मेहनत हुई है। तो एक लाइक करना तो बनता ही, और एक अच्छा सा कमेंट भी ज़रूर कर देना। बाकी चैनल बने हो तो चैनल को भी यार ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए भाई ऐसे ही माइनक्राफ्ट के खतरनाक वाले वीडियोज़ लेके आता रहता हूँ। तो बाकी मैं तुम लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।